नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम साबूदाना अप्पी बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ एक कप साबूदाना लिया है, इसे मैंने नहीं धोया है, यह कच्चा है, और दो बॉइल्ड आलू लिया है, और साथ में दो हरी मिर्च, धनिया पत्ता, एक इंच अदरक का टुकड़ा, इन दोनों को मैंने बारीक काट लिया है, तेल, जीरा और नमक लिया है। पैन में साबूदाना डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। साबूदाना गर्म हो गया है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे प्लेट में निकालेंगे, इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। साबूदाना को गर्म करके पीसने से उसका पाउडर आसानी से बन जाता है। इसे कटोरे में निकालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका बैटर बनाएंगे। एक कप साबूदाना में मैंने इसमें दो कप पानी डाला है। इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। आलू को कद्दूकस करेंगे, अदरक को कद्दूकस करेंगे, इसे हम साबूदाना के बैटर में डालेंगे। इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ता, 1 चम्मच जीरा और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। बैटर अभी बहुत ही गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। बैटर को इतना ही पतला होना है। अप्पे पैन में तेल लगाएंगे और इसमें बैटर को डालेंगे। इसे ढक देंगे और इसे 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे पलट देंगे। इसे ढक देंगे और इसे दूसरी तरफ 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर और सेकेंगे। ये दोनों तरफ से सिक गया है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। साबूदाना अप्पे तैयार है। धन्यवाद।